के बाद में कभी कभी हर चीज बजट से नहीं होती, कभी कभी चीजों से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने से भी होती है। तो हमने एक 30 दिन का कोर्स बनाया, 30 डेज कोर्स इन उर्दू। आज तक क्या होता था, उर्दू का कोर्स 1 साल का, 2 साल का, तो लोग हर सैटरडे संडे कब तक आएंगे, 365 डेज मल्टीप्लाई बाई 2 ईयर्स। तो उस कोर्स को हमने कन्वर्ट किया 30 डेज इन उर्दू। किताबें भी छप चुकी, लोग एडमिशन भी हो चुके, और उसके थ्रू हमने क्या किया कि कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वो आगे आ रहे हैं, तो उनके साथ में हम कोऑर्डिनेट करके गुलबर्गा में, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा, बीदर में, कोप्पड़ में, वहाँ पे बहुत ही कम पैसे में उर्दू का 30 दिन का कोर्स ये शुरू करने का प्लान बना रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उर्दू सीखने का मौका मिल सके। सर्टिफिकेट उर्दू एकेडमी से मिलेगा, कोर्स प्राइवेट लोग कराएंगे, बुक्स हम देंगे 30 डेज वाला। कितने पेज का है? 600 रुपए फीस है। पेजेस 200 पेजेस की बुक देंगे, उसको पढ़ाया जाएगा और उर्दू सीखी जाएगी, ताकि सबको चांस मिल सके। उर्दू एक समुदाय विशेष की जबान नहीं है। जब उर्दू शुरुआत हुई थी, हमने हिस्ट्री में पढ़ा कि जब मुगलों के टाइम पे जो आर्मी कैंप होते थे, आर्मी कैंप में अलग अलग भाषाएं आपस में बोली गई, यूपी, अवधी, बुंदेलखंडी, हिंदी, और सबको मिक्स करके एक भाषा बनी, उर्दू भाषा। तो वैसे ही आज भी ये जो प्रोग्राम किया गया, ताकि बच्चों को और जो टीचर्स हैं वापिस उनको उर्दू से जोड़ा जा चुके। इसके लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो है, मैंने बोला कि उर्दू सबकी भाषा है, लेकिन फिर भी जो माइनॉरिटी मैनेजमेंट से चल रहे स्कूल्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, उनकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वापस उर्दू को बढ़ावा दिया जाए। तो उनकी एक मीटिंग की, हमारे बच्चे अभी देखा जाए तो थर्ड लैंग्वेज के रूप में फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, मंडरिन, वो लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो वो क्यों पढ़ना, उर्दू पढ़ो। तो इसके लिए सबसे पहले हर स्कूल में उर्दू टीचर होना चाहिए, ताकि लोगों को, बच्चों को एक ऑप्शन हो चुके कि उर्दू भी लें। तो इसके लिए मैंने ये भी प्रपोजल किया कि जो हमारे गवर्नमेंट टीचर्स हैं, उनके आजू बाजू में यदि कोई प्राइवेट स्कूल है, तो वो हफ्ते के अंदर 1-2 दिन जाके वहाँ पे उर्दू की क्लास ले सकते हैं। तो इंस्टीट्यूशन से बात भी चल रही है, देखिए कोई इंस्टीट्यूशन यदि आगे आएगा तो इस हिसाब से, यदि प्राइवेट स्कूल्स में यदि हम उर्दू को एज ए थर्ड लैंग्वेज प्रमोट करने की कोशिश करें, तो भी ये ज़्यादा पॉपुलर हो सकती है। तो ये सब हम लोग कर रहे हैं, कोशिश चालू है कि उर्दू वापस, जैसा सर ने कहा कि मीडिया, प्रिंट मीडिया, उन सब का भी है, तो ये हमारा एक सम्मिलित प्रयास होना चाहिए कि वापस उर्दू को एक सेकेंड लैंग्वेज, जैसे कर्नाटका में दूसरे लैंग्वेज के रूप में कैसे स्थापित हुई, कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से हम प्रयास कर रहे हैं, और आप लोगों का सहयोग भी चाहिए। थैंक यू। श्री मनोज जैन साहब हमें खिताब पे, और अब बारी है कामयाब तलबा की और असातिज़ा की, जिन्होंने मजमू